आज किस मसले लिए तुस प्रदर्शन करा रहे हो? ई रक्षा यूनियन का प्रधान जी। तो मसला ये अज अखबार देखो कदी इं दाड़े मारते हैं कभी अखबार लिखाइए भेजते हैं कि नहीं चलते हैं ई रिक्शा अस तो चलाने पैसे लेइए माड़े बंद सारे पता नहीं कुछ कुछ पैसे करिए बैंक लोन लेइए चला पाए गए ये इं तंग करिए कभी सवारियां क्ढी लेंगे बच्चों कभी चाबी क्ढी लेंगे ये दुए आटो वाले डीजल आटो वाले हाँ सानू आकड़ी कठूगा चलने तुम कौन मना करता चलाने के ये आटो वाले अज अखबार दिखो कि कढ़ा दें डीजल आटो तो ये वास्ते अस जाने शरारत नहीं करने क्योंकि अपना दिखने पहले कि अपने को इनके कोई तो इस मसले लिए तुम्हें कभी आरटीओ साहब अज आरटीओ साहब कोल भी गए अज यूनियन के बारे भी गए तो इं भी गल हुई उन्हें क्या उन्हें क्या दो दिन का टाइम दो दो दिन के बाद तुम दसते कि रूल एंड रेगुलेशन की चलना दिखने ने दो दिन वेट कर लेने इन्ने जी पहले चला इं चलना ठीक है ना जी गुरुद्वारे लिए काली बड़ी हॉस्पिटल पार्लीमेंट लिए अटली मोड़ जो हॉस्पिटल इं चलन गए जी सिटी तो चन ग्रां तक हम नगरी के दो आटे नो बेचारे नगरी का कठूर आते फिर कठूर जाते उन्हें कोई उन्हें भी रोकते तंग करते कीड़ी गंडयाल लगे दिन जिते उन्हें परमिट ने नहीं जाते वो इतों बाजारो काली बड़ी अटली मोड़ तो वापस वो अपने परमिट नहीं जाते उन्दे परमिट सामू चले पड़ो पढ़ा चलो आप तुम देखो मीडिया वाले हो तो बड़ा शुक्रिया जो बगैर बुलाए तुम आइए साड़ी सर अनिल वर्मा नाम है मेरा सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ई रिक्शा हमें चलने नहीं दे रहे डीजल वाले ऑटो कभी दाड़े मार रहे हैं कभी रोक रहे हैं कभी देख रहे हैं नवा लड़के थप्पड़ मार रहे हैं हम ये आते हैं कि हमें चलना चाहिए हमें सिटी के लिए हमने चलना है इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएँ कि इनके परमिट कहाँ के हैं कहाँ से हैं इनके उधर भेजा जाए ये नहर कालीबड़ी घूमते हैं लड़ाई का गरी यही है कि ऑटो के ऊपर ऑटो चढ़ रहता है ये अपने परमिट में जाएंगे इधर ऑटो कम होंगे तो ऑटो के ऊपर ऑटो नहीं चढ़ेगा लड़ाई का घर नहीं होगा हमें आराम से चलना दिया जाए हमें लड़ाई नहीं चाहिए और बस किस वजह से आपको रोकते हैं ये क्या वजह क्या है सर कौन से ई रिक्शा आपके सवारी की वजह से चार सवारी आती हैं सर हमें ऑटो में वो भी रोकते हैं कि इधर से नहीं बिठानी इधर से नहीं रोकता कौन है आपको अटली में डीजल वाले ऑटो डीजल ऑटो वाले ये रोकते हैं कौन से ई रिक्शा आपके कौन से परमिट है हमने हमने परमिट लिया है रखा है हमने परमिट दे के बस ये बात है हम सामने खड़े हो ऑटो गाड़ी जाइए जी मैं ऑटो ड्राइवर हैं ई ऑटो ई रिक्शा का ड्राइवर है तो ऑटो अस बैंक लोन तो लेइए पैसे लेइए ऑटो बनाया अगर अस चलागे नहीं अस उसको किश्त कियां करगे पूरी किश्त नहीं देंगे तो बच्चे भी पालने ना किश्ती भी देनी है साढ़ा ऑटो चलने नहीं देंगे अस किस तरह पूरी करा अस चाहते हैं प्रेम भाव कने जिन्हें चला दे चलते रहेंगे पर यह साढ़े कुछ साढ़े बच्चे दुए ने जो चला दे ऑटो चला दे ई रिक्शा डीजल ऑटो वाले उनकी चाबी खोई लेंदे कोल जो सवारियां चुकते हैं उन्दे कोल अगे सवारी जो चुकते हैं मारे बेच देने उन्हें दो जम मुड़े की थप्पड़ भी मारे ने दो चार बारी अस थाने भी गए हाँ उत्थे जाइए मनुकरी देने माफ़ी मंगी लेंदे आखते नहीं मारे मुड़िए ऐसा नहीं होग लेकिन दुए दिन मुड़िए साढ़े कन्नै उ'ऐ हिसाब होवा इस वास्ते असीं इंदे कोला तंग है असीं यह चाहते हैं इंदे डाकूमेंट्स सारे चैक किए जान साढ़े ई रिक्शा तो चलो नवें ना चलो इंदे भी अगर कोई कमी पेशी है इन इन भी चेक किया जा अगर वो कमी पेशी अं अस पूरा करने अगर उनकी कोई कमी पेशी है वो पूरी पूरी कर हर बार इे दाला मारते अं 80,000 दें अं 90,000 साल दें अगर तुम दें तो अस भी तो देने इंश्योर साढ़ा भी है कागज साढ़े भी हैं डाकूमेंट साढ़े भी हैं असें भी तो खर्चा पूरा करना ही है फर्क तो इन्ना ही है भी तुम डीजल पाते हो तो अस साल मगर बैटरियां बनिया गड्डिया तुम 100-100 रुपया खर्च दो अं 35,000-40,000 इकट्ठा खर्चना पा इस वास्ते वो कुत्थों लेना अस चलागे नहीं लियाना कुछ किस्तां भी देनियां तो अस इयै गलाने उन्दे भी डाकूमेंट्स चेक किए जान साढ़े भी किए जान तो उन्हें आखो भी जिते चल जितों तक तुहाड़ा परमिट रूट है उत्थों तक जाओ काली बड़ी का कोई वापस नहीं होना चाहिए जिहड़ा आउंदा काली बड़ी जिहड़ा आउंदा काली बड़ी काली बड़ी कई बार नहरा पर मुड़ लैंदे कई बार काली बड़ी मुड़ लैंदे कसूर आखदे भी तुहाड़ा अस कठूर का चलने काली बड़ी तक अस उत्थे चलने अगर काली बड़ी का चलने अड़ली मोड़ तक अं अड़ली मोड़ा मुड़ने भावें सवारी होवै तो भावें नहीं होवै एक एक सवारी की अं घर घर छड्डन जाने सवारी बेनीफिट है सवारी खुश है साढ़े पब्लिक ही तुम शरेआम जाइए पूछी सकते हो जनता ही जाइए पूछी सकते हो कि तुम्हें ई रिक्शा चाहिए या डीजल सारे डिमांड है डिमांड उपर गौरमेंट ने भेजा है असं
उससे बेस उपर अस बनाए कि चलो रोजी रोटी कमागे तो खागे, लेकिन ये डीजल आटो वाले सानू तंग करा दे ते समझ चल हूँ अगर थोड़ी क्या डिमांड रही साड़ी ये डिमांड है भाई अगर प्यार करने चल चल तो ठीक है इन्हें डॉक्यूमेंट चेक किए जाओ जिथे का परमिट हूँ उतना उतना भेजे जाओ। अच्छा ये ई रिक्शा पोल्यूशन मुक्त ने डीजल कन्नै प्रदूषण फैलता है प्रदूषण वाले बाहर कढ़ो पिंडे ग्राए जिथे का परमिट है पिंड जा सानू कोई दिक्कत नहीं है। तो हूँ मतलब अगर तुम आने वाले टाइम से आटो चलाने ने या चलाने ने जी चलाने असल ले दे ते चलाने ते है गए ना गवर्नमेंट को कर्जा लेना गवर्नमेंट का कर्जा देना ही है अगर चलागे तो साड़ी इयै डिमांड है भी आटो इयै चलना चाहिए। तो जे अगर तुहानू जो फ्यूचर जो दोबारा तंग करेंगे अगर थोड़ा के कदम रोगे फिर साड़ा इयै कदम रोना भी अस जद कोल साड़ी कोशिश यही होंदी है भाई पुलिस कोल जाना जां एडमिनिस्ट्रेशन कोल जाना डीसी कोल जाना एसपी साहब कोल जाना जां आरटीओ साहब ना साड़ी दौड़ दा दे मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तक जी पुत्र ते रहने वाले मैं शिवानगर ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੰਜਰ ਹਾਂ ਆਟੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਸਵਾਰੀ ਰੋਡ ਪਰ ਜਾ ਰਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਈ ਖਲਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੰਗਾ ਚਲਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਆਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਗਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਮਰੋਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹਟਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਚਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰੂਟ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹਿਰ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਕੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਦੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਰਮਿਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਪਰ ਇਸੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਕੁੱਤੇ ਇਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈਏ ਚਲੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਣਗੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਖੜੋਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਖਨੇ ਆ ਤੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਮਰੋਲੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਹਟਲੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰੀ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਹਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਆ ਦੋ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਨੀ ਲਈਏ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਪਾਣਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਆਟੋ ਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਚੱਲਦੇ ਨਾ 15-15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਹੈ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ 2-4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲੀ ਜਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਲਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਟੋ ਲੈ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ।